Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया, तो 75 इयर्स की अचीवमेंट। मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वो हमारा पैदाइशी दुश्मन है, आज भी हमारा दुश्मन। वो तो अपनी मईशत को बहुत तेजी से बेहतर बना रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वो शायद अभी जो दुनिया की प्रोडक्शन है कि मईशत के हजम के लिहाज से वो अमेरिका से आगे निकलने वाला है। एक जमाने में हम बात किया करते थे हम एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। आप अपनी हैसियत देखकर बात करें, क्योंकि जब भी आप अपने कद से बढ़कर बात करते हैं तो फिर आप अपनी ही शर्मिंदगी। आइडियोलॉजिकल स्टेट के अलावा हम एक फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया। और जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका रीजनेबल हो जाए। 75 साल में हम अब कोई जमहूरियत नहीं बना सके। अब जाके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया तो उनसे झगड़ा लेके हमने अपनी इकोनॉमी का भी सत्यानाश कर दिया। तो 75 इयर्स की अचीवमेंट क्या है? फर्स्ट वी डिस्ट डेमोक्रेसी, नाउ वी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक केक विच इज ग्रोइंग इन इंडिया। तो ये क्या कहां की अकल की बात है यार, किसने इनको, यानी ये शॉर्ट साइटेड इनकी सारी सियासत है कि नफरतों को उभार के तो झगड़े करवा दो, तो वो चले गए जिनके साथ झगड़ा किया था। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि द केक विच इज एनलार्जिंग इन इंडिया, हमें जाके देखिए, वो कहते हैं एक मॉडल होता है, उसे डॉक्टर साहब कहते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। यानी कि जो आपको कारोबार वहां करना चाहिए जो मार्केट्स नजदीक होती है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, चाइना नहीं, नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल 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 हाँ। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जो आप, मैं एक सवाल आपसे करने लगा हूं, ये तो इंडिया तो चलो ठीक है, मार्केट ग्रो कर रही है, हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम क्यों उधर जाएं काम करें, और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो, लेकिन वो एक उनसे भी बयानात दिलवाए गए, खैर एनी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, चाइना से तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, Why couldn't we get sync with the Chinese? और उनका पैसा जो है, आज हमारा हर मिनिस्टर ये कह रहा है, recently पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है और जो हाईएस्ट इकोनॉमिक बॉडी है, उसने कहा था कि 35% मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल गया है, आउट ऑफ 33 या 35% जो इन्वेस्टमेंट है चाइनीज, वो फ्लॉड है। ये डॉन की बहुत बड़ी स्टोरी थी, और उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज फ्लॉड, जो फ्लॉड फ्लॉड जो कि तकरीबन 15 अरब डॉलर बनती है। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, इंडिया को तो छोड़े फॉर अ मोमेंट के उनके साथ तो हम सिंक नहीं है ना उस तरह, ठीक है, पोलिटिकल इश्यूज, सोसाइटियल इश्यूज। डॉक्टर साहब, चीन ना की मसला है, उन्होंने तो इतना पैसा लाया, उन्होंने भी डूब गया थे, अपना भी डुबा रहे, वो तो बताए ना फिर। ऐ दसो मैनू, जिदे नाल आदमी सिंक होंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋਡ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾ ਸਿੰਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਕ ਸੁੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਪਲੈਨ ਐਂਡ ਡੂ ਥਿੰਗਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਈਜ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਈਜ਼, हाँ जी, वो ते तुहाडे नाल दे इंडिया दे लोग ही ने, उन्हां नाल करके देखो, जे वो धोखा करन ते वो फड़े भी जाणगे। चाइना नूं तुसीं फड़ ही नहीं सकदे, आदमी पकड़ता उसे है ना जिसके मुतलक जानता हो कि ये कौन है। तो जो आपको बताते ही नहीं कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं, उनसे आप क्या पकड़ेंगे उन्हें? पकड़ा तो आदमी किसी लेवल पे, इक्वालिटी पे होता है ना, आप कौन है पकड़ने वाले चीन को? दूसरी तरफ उसने तो कुछ नहीं करना, वो तो अपनी मईशत को बहुत तेजी से बेहतर बना रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वो शायद अभी जो दुनिया की प्रोडक्शन है कि मईशत के हजम के लिहाज से वो अमेरिका से आगे निकलने वाला है। अलबत्त फी का आमदनी में वही गुर्बत रहेगी, तो वो अलग मौजू है। मगर जो चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि मोदी ने बिल्कुल वाज तौर पर यह किया, तनाव बढ़ाओ
और पाकिस्तान जो है ना इन्हीं झगड़ों में निपटा रहे, भारत की दुश्मनी ट्रेड ना होने दें, लेकिन अपनी मईशत को वो तेज रफ्तारी से कर रहा है और उसको इसमें कामयाबी हो रही है, उसकी मईशत तरक्की कर रही है। दूसरी तरफ आप चले जाएं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, वो ये समझते हैं जिसका आपने इशारा किया कि ये एक मुल्क जौहरी ताकत है, इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत शानदार है, इसमें गवादर है, लो इनके पास जो रिजर्व्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, अगर ये इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें, कभी कोई ऐसी हुकूमत आ गई जो मुल्क से मोहब्बत करें और बोल्ड भी हो, तो वो इस मुल्क को ऐसे ले जा सकता है चंद बरसों में कि आप खित्ते की मजबूत तरीन, क्योंकि भारत के साथ कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है आबादी का, हमारी आबादी उनके मुकाबले में बहुत कम है, वसाइल हमारे ज़्यादा हैं। एक ज़माना था कि अगर 100 रुपये आप अपने किसी रिश्तेदार को भेजें भारत में तो उसको 125 भारतीय रुपये मिलते थे, 100 के 125 हमारा स्ट्रांग था, आज आप 100 भेजेंगे तो वहाँ 34 मिलेगा, इनको शर्म नहीं है, 100 रुपये के 34 रुपये रह गए। बंगाली यहाँ जो काम करते थे कुक और दूसरे, वो नौकरियाँ छोड़ के चले गए इसलिए कि बांग्लादेश करेंसी स्ट्रांग है, उनको वहाँ पूरे पैसे ही नहीं मिलते। तो ये सब कुछ अशारिये ख़राब हैं, और आपने इब्तदाई गुफ्तगू में यही बात की है कि झूठ फरेब इंटेलेक्चुअल करप्शन करके, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, IMF को खुश कर लिया, अमेरिका को खुश कर लिया, असासे बेच दिए और आवाम पर टैक्सेस लगा दिए कि कुर्बानी दो, ताकि इस अजीम मुल्क के लिए कुर्बानी दें ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो।